आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को धान की बारी कीमतों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे 500 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस का लाभ उठाने के लिए तेलंगाना के सीमा पार से आने वाले धान के संबंध में सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्होंने कलेक्टरों को अनियमितता बरतने वाले राइस मिल्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और धान खरीदी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उपार्जन केंद्रों पर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। सभी जिला कलेक्टरों और प्रभारी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित खरीफ 2024 धान खरीद की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 66 लाख एकड़ में धान की कटाई हो चुकी है और 20 लाख एकड़ में अभी भी कटाई बाकी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बारीक अनाज बेचने वाले किसानों को तुरंत उनका बोनस मिले और बारीक और मोटे अनाज वाली किस्मों की अलग अलग खरीद की जाए। उन्होंने अधिकारियों से खरीद केंद्रों पर किसानों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा और प्रभारी मंत्रियों और अभिभाजित जिलों को सौंपे गए अधिकारियों को इन केंद्रों का दौरा करने और धान खरीद प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और चावल मिलों तक धान परिवहन के लिए लॉरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कलेक्टरों के प्रयासों में समन्वय करने और 30 नवंबर को किसान महोत्सव को शानदार ढंग से सफल बनाने का आग्रह किया। समीक्षा बैठक में नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, मंत्री थुमल्ला नागेश्वर राव, पंगुलिट्टी श्रीनिवास रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी और सभी जिला कलेक्टर शामिल हुए। भारत राष्ट्र समिति के पूर्व विधायक सीतम राम मोहन रेड्डी को नारायणपेट जिले के एक सरकारी स्कूल के दौरे से आज तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि नारायणपेट के मंगनूर मंडल में जिला परिषद हाई स्कूल में कुछ छात्र परोसे गए भोजन को खाने के बाद बीमार पड़ गए। मख्तर महबूब नगर के पूर्व विधायक रेड्डी को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वो मंगनूर जा रहे थे। वही गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने इसकी निंदा करते हुए कहा, मंगनूर ZPHS स्कूल का दौरा करने के बहाने पूर्व मख्तल विधायक सीतम राम मोहन रेड्डी को और बीआरएस नेताओं की पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी की गई। राव ने तेलंगाना सरकार से पूछा कि वो नारायणपेट के सरकारी स्कूलों में रेड्डी के दौरे से क्यों डरी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि क्या वो खराब स्थिति में है जहां वो तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं करा सकती है। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य और वित्त मंत्री ने राज्य सरकार से सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने और पूर्व बीआरएस विधायक की रिहाई सहित कई मांगे की। राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से भी विपक्ष को चुप नहीं कराने को कहा। आपको बता दें कि मंगलवार को नारायणपेट के मंगनूर मंडल में ZPHS में खाना खाने के बाद लगभग 30 छात्र बीमार पड़ गए। जैसे ही उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की, छात्रों को मंगनूर सरकारी क्षेत्र अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 छात्राओं की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए महबूब नगर सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। आज तेलंगाना के निर्मल जिले के दिलावरपुर मंडल में राजस्व मंडल अधिकारी के कार्यालय परिसर क्षेत्र में इथेनॉल कारखाने की स्थापना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी पिछले दिन से इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। वही मंगलवार को आंदोलनकारी किसानों ने जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप और उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए निलंबित किए गए शिक्षक की बहाली की मांग करते हुए निर्मल भैंसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। इससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे निर्मल का राजस्व मंडल अधिकारी रत्न कल्याणी को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास करना पड़ा। हालांकि किसानों के साथ RDO की वार्ता विफल रही। जब वो जा रही थी तब स्थिति अचानक बिगड़ गई और किसानों ने RDO को जाने से रोकने की कोशिश की, जिससे उनकी कार पर आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत समझा बुझा दिया। अफरा तफरी में RDO बेहोश हो गई और उनका रक्तचाप कम हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आज पुलिस ने 30 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जो धरने में शामिल थे, जिससे जनता को असुविधा हुई है और साथ ही RDO के वाहन को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इथेनॉल कारखानों की स्थापना के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है। 7 नवंबर को किसानों और इथेनॉल फैक्ट्री इकाइयों के प्रतिनिधियों ने तेलंगाना कृषि और किसान कल्याण आयोग से संपर्क किया, जहां प्रत्येक पक्ष ने इस बात पर बहस की कि क्या इसकी स्थापना पारस्परिक रूप से लाभप्रद थी।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मोसी नदी के एफटीएल या नदी तल क्षेत्र के भीतर अनधिकृत निर्माण और संरचनाओं को हटाने के लिए राजस्व और नगर पालिका विभागों के साथ हाइड्रा का रास्ता साफ कर दिया है। यह हैदराबाद के जल निकायों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार के पास हाइड्रा बनाने और मूसी जैसे जल निकायों की सुरक्षा और कायाकल्प के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार तेलंगाना सिंचाई अधिनियम 1357 फसली की धारा 4 के तहत हाइड्रा के कार्यों को स्थापित करने और सौंपने की कानूनी शक्ति रखती है। अदालत ने प्राधिकरण के गठन की वैधता पर सवाल उठाने वाले दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि नदियां और तालाब सामुदायिक संपत्ति है जिन्हें सार्वजनिक लाभ के लिए संरक्षित और प्रबंधित किया जाना चाहिए। फैसले में आगे स्पष्ट किया गया है कि एफटीएल या नदी क्षेत्र के भीतर पट्टा या शिकम पट्टा के रूप में वर्गीकृत भूमि को उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वह इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि आवंटन वैध स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता है। तमिलनाडु में मौसम खराब है और कुछ जगहों पर तूफान देखने को भी मिला है। इसी बीच आईएमडी अमरावती के वैज्ञानिक सगिले करुणासागर ने कहा कि कल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव था। पिछले 6 घंटों में यह 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगले 6 घंटों में यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और चक्रवात बन जाएगा। फिलहाल यह श्रीलंकाई तट के पार बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में यह तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। हम बारिश की उम्मीद भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति और श्री पोट्टी श्री रामुलु नेल्लोर जिले में और इसी के साथ अगले 3-4 दिनों तक प्रतिकूल मौसम जारी रहेगा। हम जनता को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अडानी अपने आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे। अडानी को गिरफ्तार न करने को लेकर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना भी की और कहा कि सरकार उनको बचा रही है। अडानी को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वो आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कई लोगों को छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है। गौतम अडानी ग्रुप की ओर से आज बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अमेरिका भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन पर USDOG के अभियोग या USSEC की सिविल शिकायत में निर्धारित मुकदमों में अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए विवाद को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने भी अपनी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वे अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। वही रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस हिंसा के दौरान गोलीबारी और पथराव हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की भी और मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से उसकी मौत की गिनती नहीं की जा रही है और 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए। संभल में हुई हिंसा पर स्वरा भास्कर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकाली है। स्वरा ने लिखा, हम भारत में उस स्थिति में है जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। वे शायद भगवान से सलाह ले रहे हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। संभल हिंसा के बाद स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई पोस्ट शेयर कर चुकी हैं और ट्वीट भी कर चुकी हैं। उनके ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि महायुति को समर्थन देने और हमें भारी जीत दिलाने के लिए मैं महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। यह अभूतपूर्व है। अमित शाह और पीएम मोदी ने आम शिव सैनिक बनाने के बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा किया है। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे
तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे, इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। और हमारे जो हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है, आनंद जी साहब हमारे गुरु है, और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्व सामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं CM मीन्स कॉमन मैन, एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त, मुझे दे अभी इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।